आप देख रहे हैं राष्ट्र के नाम समर्पित ओटीटी इंडिया और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। 10 सितंबर 1976 का दिन देश के इतिहास में बेहद खास है। ये वो दिन था जब भारत और पाकिस्तान ने दोस्ती की एक अनोखी मिसाल कायम की थी। दरअसल इमरजेंसी के ऐलान के बाद 10 सितंबर 1976 को मुंबई के लिए इंडियन एयरलाइंस के एक विमान ने उड़ान भरी थी। एक तरफ देश में इमरजेंसी को लेकर हंगामे हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एयरलाइंस के विमान बोइंग 737 को सनसनीखेज तरीके से हाईजैक कर लिया गया था। लेकिन इस दौरान भारत और पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दरअसल भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सरकारों के बेहतरीन तालमेल ने एक मिसाल कायम की थी। 10 सितंबर का वो दिन था, सुबह के 7:30 बज चुके थे। अपने तय समय के हिसाब से बोइंग विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से 77 यात्रियों को क्रू मेंबर्स के साथ मुंबई के लिए उड़ान भर चुका था। लेकिन मुंबई पहुंचने से पहले जहाज को जयपुर और औरंगाबाद रुकना था। अभी विमान को उड़ान भरे हुए कुछ मिनट ही हुए थे कि अपहरणकर्ताओं ने कॉकपिट में अपने दर्शन दे दिए। पायलट को पिस्तौल दिखाकर विमान हाईजेक कर लिया गया। हाईजेक कर वो विमान को लीबिया ले जाना चाहते थे, लेकिन पायलट और को पायलट ने अपनी सूझबूझ से ऑटो पायलट के जरिए दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क किया और घटना की पूरी जानकारी दी। पायलट ने होशियारी दिखाते हुए अपहरणकर्ताओं से विमान में फ्यूल ना होने की बात कही और विमान को लाहौर ले जाया गया। हालांकि अपहरणकर्ता विमान को कराची ले जाने के लिए कह रहे थे। तभी भारत सरकार ने पाकिस्तानी सरकार को फोन कर इस घटना की जानकारी दी और उनसे अपने देश के यात्रियों समेत विमान के क्रू मेंबर्स की सुरक्षा की गुहार लगाई और पाकिस्तान सरकार भी बिना कोई देरी किए मदद के लिए तैयार हो गई। भारत सरकार की गुहार पर पाकिस्तान सरकार ने विमान को जगह दी और रात होने का बहाना लगाकर विमान को रोके रखा। विमान में ही अपहरणकर्ताओं को बढ़िया खाना दिया गया, लेकिन खाने के साथ दिए गए पानी में नशीली दवाएं मिला दी गई जिसे पीकर अपहरणकर्ता बेहोश हो गए। इसके बाद अपहरणकर्ताओं को पकड़कर विमान को भारत के लिए रवाना किया गया, लेकिन 7 जनवरी 1977 को पाकिस्तान ने इन सभी अपहरणकर्ताओं को रिहा कर दिया। पाकिस्तान के इस फैसले का भारत ने काफी विरोध भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज तक भी उन अपहरणकर्ताओं के विमान को हाईजैक करने के मंसूबों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ओटीटी इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।